बिहार के 110वें स्थापना दिवस पर आप सबों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय इतिहास के महान शासक सम्राट अशोक, दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट, सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा, दुनिया को राजनीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि, जैन और बौद्ध धर्म के श्री गणेश जैसी उपलब्धियों से बिहार का अतीत स्वर्णिम है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, ऐसे कई सूरवीर जो हमारे बिहार से ही थे। 22 मार्च 2022 को बिहार 110 वर्ष का हो गया। साल 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद बिहार अस्तित्व में आया और एक अलग स्वतंत्र राज्य बना। तब से लेकर अब तक बिहार ने कई सारी कहानियां, कई सारी घटनाओं को अपने अंदर आत्मसात किया है। इस 110 सालों में बिहार ने बहुत कुछ बदलते देखा है। बिहार की राजधानी पटना है। प्रमुख भाषा है हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, उर्दू, मगही, अंगिका। यहाँ की जमीन से जुड़ी पुरानी कहानियाँ आज भी सुनाई जाती है। यह एक ऐसा राज्य है जहाँ से एक समय में पूरे देश को चलाया जाता था और आजू बाजू के देशों पर भी राज किया जाता था। कई सारे महान शासक इसी बिहार की पवित्र जमीन पर बड़े हुए थे। बिहार से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन्हें बताने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए फेमस? यहाँ तो बहुत सारे ऐसा चीज लगा, इसके बारे में कुछ आइडिया है? आइडिया बहुत ज़्यादा है। बिहार के जितने भी आपके जो यहाँ पे जितने भी बात है, बिहार सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, बिहार सरकार जो भी योजनाएं चला रही है, सभी को दर्शाया गया कि उससे क्या प्रॉफिट है, उससे क्या लॉस है, किस तरह का प्लेटफॉर्म आगे वो प्रोवाइड करेगी बिहार सरकार को, और किस मोटिव से बिहार को हम आगे विकसित राह की ओर ले जा सकते हैं। अच्छा, चलिए मेरे साथ आप सबको गांधी मैदान में प्रदर्शनी स्थल का सैर करवाते हैं। बिहार दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में जो मेला लाग रहा है, वही में दूर दूर से स्टूडेंट सब भागीदारी कर के लेल आयल छथि। आ इधर ई सब आयल छथि, अहाँ नाम की है? हमर नाम सौरभ कुमार झा छी। अहाँ सब कतऽ से आयल छियै? जी हम सब मधेपुर प्रसाद।
मधेपुर से? मधेपुर प्रखंडक प्रसाद गांव से। छता स्कूल से सब बच्चा आयल छै या अहीं सब के पर्सनल? जेना कि हमरा सब के पहले स्कूल में प्रतियोगिता कराल गेलै, स्कूल से निकल लिए तकर बाद ब्लॉक पर लिए मधेपुर में, मधेपुर में निकल गेलिए तकर बाद जिला मधुबनी में प्रतियोगिता भेलै, जेमे चारिटा लड़का के चारिटा लड़की के सुगम संगीत में और बाकी टॉपिक में सबके निकालल गेलै। अच्छा, जिला में जीतला के बाद पटना के लिए हम सब सिलेक्शन केलिए। तो एतो अहूँ सब के फंक्शन हेतै? हाँ, काल्हि हमर मधुबनी जिला के, मधुबनी जिला के काल्हि छै। अहाँ सब कथी गाना के? सुगम संगीत। अहाँ दोस्त? हम सुगम में संगीत से। बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक। अहाँ मधुबनी जिला के नाम रोशन करू, नीतीश कुमार के कहुना ध्यान जाए मधेपुर के। अहाँ के आई कार्ड मिलल स्कूल के तरफ से? ना नहीं, जिला तरफ से। अहाँ के नाम सौरभ कुमार झा छ? अहाँ के नाम कृष्ण कुमार। चलू, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, अहाँ सब जरूर जीत के जाओ एत से, मधुबनी जिला के नाम रोशन करियो। आशीर्वाद नहीं, हमू ओत के छी, सब भागीदारी है जो हम सब जीत के जाए के। किस चीज का स्टॉल लगा है? सीएसपी का ग्राहक सेवा केंद्र। अच्छा, ये दीदी जो हमारे साथ हैं, ये पूजा दीदी हैं, हमारे जीविका दीदी हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, ये ग्राहक सेवा केंद्र चलाती हैं दानापुर में। तो हाँ, ये अपने बारे में। मैं पूजा कुमारी, दानापुर बिहार से, बिहार में दानापुर जिले। और सबसे पहले जीविका को बढ़ावा दिए नीतीश कुमार सर ही ना, ज्यादा बढ़ावा दिए वही। अब आज यहाँ मुख्यमंत्री साहब आने वाले, कैसे महसूस हो रही है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हम लोग उनसे मिलेंगे अभी। जो लेडीज खुद भी इंडिपेंडेंट हो, वही ना, जो लोग इंडिपेंडेंट बढ़ावा मिलता है, जो अब आप लोग बढ़ रहे हो, तो हमारा पिछला जनरेशन आने वाला जो है वो और आगे बढ़ेगा, ये सीरीज चलती रहेगी। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से। आज 22 मार्च 2022 विधान दिवस, जीविका के पंडाल हमारी नाम क्या है? वीडियो प्रोडक्शन। वीडियो प्रोडक्शन। तो मुख्यमंत्री साहब यहाँ आने वाले हैं, तो आप लोगों का भी देखेंगे? यस, देखेंगे। आप लोग कहाँ से आए हो? कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आए हुए। कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आप लोग का पूरा टीम आया होगा? हाँ, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हम लोग तो आए। तो जैसे आप ही लोग कटिहार में हैं या सारे लोग आ गए हैं कटिहार? नहीं, हम लोग कोई कंपटीशन करके वहाँ से, कोई कंपटीशन हुआ होगा? हम लोग का कंपटीशन नहीं हुआ था, हम लोग का ट्रेनिंग दिया गया था वहाँ पे। अच्छा, वहाँ ट्रेनिंग दिया गया और हम लोग का चुनाव करके यहाँ पर भेजा गया। अच्छा, वहाँ चुनाव करके आया।
तो कैसा लग रहा है यहाँ के आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सब किसकी? मुख्यमंत्री साहब की कृपा है। बिहार दिवस पे जो यहाँ आप लोग आए हुए हो, और आप लोग तो बिल्कुल मिसाल हो, बिहार के जितने फीमेल हैं उनके लिए तो बिल्कुल मिसाल हो, जो इंडिपेंडेंट बनना या ऐसे आगे बढ़ना, ये सब तो पहले तो होता नहीं था, अब ये ज्यादा होने लगा। ये जीविका में आने के बाद ज्यादा होने लगा। ये जीविका से जुड़े हुए तो इसमें ये, हाँ ये मतलब जीविका में जब से हम जुड़े हैं उसके बाद ये सब हम लोग को हौसला मिलते गया कि आगे कैसे बढ़ना है, और हम लोग को सपोर्ट हमेशा मिलते रहा। फैमिली से सपोर्ट मिला और सरकार से सपोर्ट मिला था, इसके थ्रू आप लोग यहाँ तक आ गए। हम लोग, मुझे आशा है आप लोग यहाँ से क्या दिल्ली तक पहुँचो और बिहार का नाम रोशन करो, अपने कटिहार का नाम रोशन करो। जी जी, है ना। चलिए, थैंक यू, आपसे अच्छा लगा मिलके। अपने अपना नाम क्या बताया? कुमारी खुशबू। कुमारी खुशबू, आप ऐसे ही बिहार का नाम रोशन कीजिए, कटिहार का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। तो फिर मेरा सेकंड में हुआ है सिलेक्शन जीके में। अच्छा, तो आप लोगों का कंपटीशन का वो यहाँ का किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो आप? जीके जीएस में? हाँ, क्यूज। और आप? भाषण, स्पीच में। तो आप लोगों का प्रोग्राम कब है? आज या तो 3 दिन हो गया? हाँ, हो चुका है। हाँ, और इसका रिजल्ट कल निकलेगा। अच्छा, मेरा निकल चुका है, हम सीधा बोलते मैं नहीं हुआ सिलेक्शन। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई, नेक्स्ट टाइम। ये तो अभी तो स्टार्ट ही है ना, ये सब तो अभी आप बिल्कुल पहला ही स्टेट है। अभी तो हर बार बिहार दिवस कितने साल तक चलते रहेगा, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम। यस सर। और यहाँ कैसा माहौल है, एंजॉय कर रहे हो इस प्लेस के? जैसे हरियाली बिल्कुल अभियान चला रहे हैं। हाँ हाँ। और जल संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहे हैं बिल्कुल, और दहेज को भी वो अधिक मात्रा में, दहेज का रोकथाम, सबसे बड़ा शराबबंदी, मद्यपान निषेध जो करवा के रखे हुए हैं बिहार में, सबसे बड़ा काम यही हुआ है ना। यस सर। तो आप लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हो ना? यस सर। नेक्स्ट टाइम आप लोग फिर से मिलोगे ना? यस सर। 9th में। और मुंगेर जिला का नाम क्या करोगे? रोशन करोगे, है ना। यस सर। अपने स्कूल का, अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, और अपने टीचर का, अपने टीचर का भी। ओके, बाय, थैंक यू। कहाँ? उत्कर्मित मध्य विद्यालय शेखपुरा में। शेखपुरा पटना में ही ना? हाँ। तो आप लोगों का प्रोग्राम हो गया? यस। आप लोग किस कौन से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए थे? क्या? अच्छा, तो आप लोगों का रिजल्ट भी दे दिया? नहीं, कल पता चलेगा जो जीते की क्या हुआ ना। चलिए, आप लोग बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को, आप लोग विनर हो जाए, है ना। बाय। सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई, फिर सामाजिक दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन के लिए इस बिहार। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरी उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं, दीप तुम चलते रहना, यूं ही निरंतर दीप तुम चलते रहना। मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा। के साथ है, आपका नाम क्या है? खुशी कुमारी सिंह। और मेरा नाम खुशी पांडे। खुशी कुमारी सिंह, खुशी पांडे। देखिए गाइस, दो दो खुशी एक साथ है। आप लोग कहाँ से आए हुए हो? कन्या मध्य विद्यालय वासुदेवपुर नगर मुंगेर। मुंगेर से? अच्छा, तो यही चीज। और हमारे स्कूल का नाम है, क्या नाम बता? बोलो ना, तुम पागल। एक साथ, कोई बात नहीं, हम उसको एडिट कर देंगे, बताओ। कन्या मध्य विद्यालय वासुदेवपुर नगर मुंगेर। तो आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे?
स्कूल से सिलेक्शन होके आया हुआ, तो कैसे क्या प्रोसेस था सिलेक्शन होके यहाँ तक आने का? कैसे प्रोसेस था? मतलब पहले कुछ स्कूल से क्या कहते हैं बच्चों को, हाँ, सिलेक्ट मतलब किया सर, जो तेज है जीके में, जो भाषण में, सर सिलेक्ट किए भेजे, तो ये लोग हम लोग कहीं पता नहीं कॉलेज कौन सा था वहाँ पे गए थे हम लोग, फिर वहाँ पे बहुत सारे टीचर लोग थे, फिर सबसे भाषण का फिर करवाया कि हर स्कूल के थे मुंगेर से, तो फिर भाषण का करवाया गया, फिर सर लोग नंबर नोट करते थे।